नमस्कार, खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला से, जहां बाबा बालकनाथ की छठी विशाल चौकी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां शिरकत की। इससे पहले विनोद शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां लोगों ने विनोद शर्मा के समक्ष शहर की कई समस्याओं को सामने रखा था। अब बात पलवल की, जहां रसूलपुर फाटक बंद करते समय कार क्रॉस करने को लेकर हुए झगड़े में फाटक इंचार्ज सहित 3 कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। फाटक खुला होने के बाद भी रेलों का आवागमन जारी रहा। वहीं घटना के तुरंत बाद कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों तरफ से यातायात व्यवस्था को संभाला। मैंने ये देखा कि ये लोग आपसी में घुस रहे थे, लठिया चल मर रहा था, लठिया खा भी रहे थे वो लोग। हमने आगे बीच बचाव करा तो मेरे ये लगी है। और कुछ इसको चोट लगी है, कौन कौन थे वहाँ? मेरे साथ में जगदीश और माता दीन जगदीश, उसके लगी है। क्या काम करते हैं? मैं रेलवे में ट्रक मैन हूँ। जगदीश है, वो भी रेलवे में ट्रक मैन है। आगे की कहानी गेटमैन बताएगा किस वजह से लड़ाई हुई है। आप जब वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद जो झगड़ा हुआ, कितनी देर तक झगड़ा चलता रहा? झगड़ा करीबन 10 मिनट तक चलता रहा। जब हम आए यहाँ पर देखा 3 लोग घायल मिले थे, हमें स्टेशन से मतलब फोन लिया तो आके देखा 3 लोग घायल मिले। एक 2 आदमी तो बाहर थे, एक अंदर गेटमैन अंदर पड़ा हुआ था जिसका नाम पूरन चंद था, और गैंगमैन थे मंजूर और जगदीश माता जी, ये दोनों भी घायल हुए यहाँ थे। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पड़े हो, 2 आदमी हमला करके गए, हमने बचा किया तो हमें भी घायल करके भाग गए। तो पता चला किस बात को लेके ये पता नहीं चला। रेस्ट हाउस में बीजेपी महिला मोर्चा जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निर्मला बैरागी भी मौजूद रही। वहीं आगामी 25 अप्रैल को भिवानी में कार्य समिति के गठन को लेकर भी महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। संपन्न हुई है, अगले 25 अप्रैल को भिवानी जिला में प्रदेश की कार्य समिति होनी निश्चित हुई है। उसी के संदर्भ में आज यहाँ बैठक हुई है। सभी पदाधिकारी बहने यहाँ पर इकट्ठी होकर उनकी जिम्मेवारियाँ लगाई गई हैं कि किस बहन ने कौन कौन सा कार्य करना है। कार्य समिति करना एक सौभाग्य की बात है जो भिवानी जिले को मिला है, और इस जिले ने बड़े ही शौक से इसको लिया। सभी बहनों ने अपने हरेक कार्य, किसी ने भोजन की व्यवस्था करनी है, किसी ने अपने आवास की व्यवस्था करनी है, किसी ने सज्जा की व्यवस्था करनी है, इस तरह से सभी बहनों की ड्यूटियाँ लगाई गई। आज ये प्रदेश के बहनों की और जिले की बहनों की इस निमित्त आज ये बैठक है। महिलाओं के उत्थान के लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं? हमारी पार्टी तो आई ही महिलाओं के उत्थान के लिए है। प्रदेश की सरकार देख लो या हमारी केंद्र की सरकार देख लो, जब से 2.5 साल से जब से सरकार बनी है, काम महिलाओं के लिए हुए हैं। उनकी सुरक्षा के सवाल पर आप महिला थानों को ले लो, बेटियों की सुरक्षा के लिए बसों का चलाना देख लो, और इसी तरह एक बच्ची के पैदा होने पर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम चलाई, आपकी बेटी हमारी बेटी, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी बेटियां होंगी उनके सब के लिए शगुन योजना है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की, लेकिन आए दिन आंकड़े तो बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार के, उसका कैसे सलूशन निकाल पाएंगे? ऐसा नहीं है कि महिलाओं के आंकड़े नहीं बढ़ रहे हैं, वो उजागर हो रहे हैं। पहले किसी प्रभाव से या दबाव से उनको दबा दिया जाता था, लेकिन आजकल अगर थोड़ा सा भी कहीं इस तरह की बातें आती हैं, फौरन पुलिस में उसकी FIR होती है, इसलिए आपको आंकड़े जाते हैं। आज हमारे भिवानी में हमारी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा की बहन निर्मला बैरागी जी पहुंची हैं, और आज पूरे महिला मोर्चा ने उनका बढ़ चढ़ के मान सम्मान किया है। और आने वाली 25 अप्रैल को भिवानी में महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति होने जा रही है, उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाई सुभाष बराला जी, हमारे संगठन मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष बहन निर्मला बैरागी जी उसमें उपस्थित रहेंगे, और प्रदेश का पूरा महिला मोर्चा उसमें आमंत्रित है। यही जानकारी देने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुँची। मैम, जो आज की बैठक थी आपकी, जिला स्तरीय थी या राज्य स्तरीय थी, कैसे थी? आज ये प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक थी। पदाधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई है कि आने वाली 25 तारीख को भिवानी में कार्य समिति होने जा रही है, और उसके लिए क्या क्या तैयारी पदाधिकारियों को करनी है, और उसके अलावा जिले की पूरी टीम को भी यहाँ आज आमंत्रित किया गया है ताकि उनको भी
उनके हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपी जा सके। प्रदेश के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में आयोजित जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की मंडियों में गेहूं की खरीदारी जारी है और किसान का गेहूं एक एक दाना खरीदा जाएगा। भारत निर्माण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और उनके काम का बहुत बड़ा महत्व है। समाज में जो सबसे पिछड़ी अवस्था में थे, ऐसे लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने का, आर्थिक न्याय दिलाने के कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाए, जिससे एक सक्षम और समान भारत आगे बढ़ सके। देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता उनका बहुत ही प्रिय विषय था और इस नाते से उन्होंने जो आस्था के केंद्र थे, उन आस्था के केंद्रों को भी भारत भूमि पर रखा और उनका कंट्रीब्यूशन उनके जीवन के बाद भी लगातार अनेकों पीढ़ियों तक भारत को मिलेगा। मैं ऐसे महापुरुष को नमन करता हूँ। सर, आपने बटेरों के आधार पर सरकारों की तुलना की है, तो क्या चीज़? देखिए, पहले सरकारें थी वो अपने परिवार के पोषण के लिए ही ज़्यादा चलती थी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली होती थी, इसलिए उन पर बहुत सारे लोगों पर इस प्रकार के केस चलते हैं कि जिनके पास गैर अनुपातिक संपत्तियां हैं। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसमें सब ऐसे त्यागी विरागी लोग मुख्य कुर्सियों पर हैं जिनका कोई निजी परिवार की संपत्तियों को बढ़ावा देने वाले नहीं है, तो वो सरकारें केवल अपने और अपने रिश्तेदारों के लिए अधिक काम करती दिखाई देती थी और ये सरकारें आम जन के लिए, गरीब जन के लिए अधिक काम करती दिखाई देती। प्रदेश का नाम रोशन करने वाली पूजा को 18 फरवरी को देश के उन 6 दिव्यांगों में शामिल किया गया जिसे चेन्नई की एबिलिटी फाउंडेशन संस्था की ओर से एबिलिटी अवार्ड 2017 से पुरस्कृत किया गया। उसे पुरस्कार के तौर पर ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 1,00,000 की नकद राशि दी गई। आपको बता दें कि पूजा प्रदेश की एकमात्र दिव्यांग रही जिसे ये सम्मान मिला है। पूजा अब IAS की तैयारी कर रही है और इसका सपना है कि वह अपने जैसे दिव्यांगों के लिए संस्था चलाए। मैं जब 6 महीने की थी तब मेरी मम्मी को पता चला कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मम्मी पापा मतलब दिल्ली में, मुंबई, जयपुर और भी बहुत सारे हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको जीन्स प्रॉब्लम है तो ये कभी ठीक नहीं होगी, लाइलाज बीमारी है। पर फिर भी मम्मी पापा ने हिम्मत नहीं हारी और मुझे पढ़ाया लिखाया स्कूल में, कॉलेजेस में। पहले मैं रिक्शा में जाती थी, फिर मेरे चाचा हैं वो मुझे छोड़ के आते थे, 7th क्लास से लेके कॉलेज तक मेरे चाचा मुझे छोड़ के आते थे। उसके बाद मैंने नेट GRF का एग्ज़ाम दिया, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया। उसके बाद मैंने बैंक के IBPS के एग्ज़ाम दिए, जो नेशनलाइज बैंक के लिए होता है, उसको मैंने 3-4 बार दिए। 3-4 बार मैंने क्लियर भी किया, पर उस टाइम मेरी शुरू में एज कम थी तो इस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर दोबारा मैंने दिया तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मेरा PNB में सिलेक्शन हुआ। मेरी पंचकुला में ज्वाइनिंग थी, वहाँ पर मुझे पता चला 30 हफ्ते की ट्रेनिंग है मेरी, अलग अलग जगह, दिल्ली, जयपुर, रेवाड़ी और भी चंडीगढ़, अमृतसर। पर बैंक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी मैक्सिमम ट्रेनिंग रेवाड़ी में की गई। पर जैसे दिल्ली है, जयपुर है, वहाँ मुझे जाना पड़ा क्योंकि वो ट्रेनिंग रेवाड़ी में नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद रोहतक सर्कल मिला मुझे, और वहाँ से मुझे जो सर्कल हेड है RK सलूजा, उन्होंने मुझे मतलब कहते हैं ना कि बेटी, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी हो तुम और जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। फिर उन्होंने मुझे रेवाड़ी Sector 3 ब्रांच दी कि मुझे ताकि वहाँ दिक्कत ना हो क्योंकि वो छोटी ब्रांच है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी पोस्टिंग यहाँ कर दी कि मेरे घर के पास है रेवाड़ी मेन ब्रांच पंजाब नेशनल बैंक की। अब मैं 31 अगस्त से वहीं पर हूँ। आज तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सारी थकान जो थी वो हट गई है। जो भी ज़िंदगी में चलो संघर्ष किया वो भगवान ने हमें सेवा दी थी, वो करी की थी, हम तो एक जरिए हैं जी। बस बच्चे लायक हो गए और हो जाएंगे, 2 बच्चे और हैं मेरे पढ़ रहे हैं, छोटा बेटा भी सेम कंडीशन में है जी। वो भी कभी कामयाबी होगी उसको भी। इस बिटिया को मुकाम तक पहुंचाने में आपको कितना सर परेशानी तो आती है ज़िंदगी में, नॉर्मल इंसान को भी आती है, तो हमें तो आई है कि जो जिनके बच्चे चल भी नहीं पाते हैं गोदी में उठाना बिठाना, सोच समस्याएँ हैं।
कि घर में परिस्थिति भी ऐसी, पैसे को लेके भी ऐसे कोई बहुत अच्छे हालात नहीं थे कभी से भी, कि जो कमाया वो बच्चों पे ही लगाया जी। कि आज शाम को कमाई करके लेके आते हैं ये, और अगले दिन मैं जाके डॉक्टर को खर्च कराती थी, इन बच्चों को ले लेके घूमती रही। तो समस्याएं तो हैं, इनको उठा उठा के हमने अपना भी शरीर रह गया बिल्कुल। लेकिन आज ये कामयाब हो गए तो अब देखते हैं कि जिंदगी में समस्याएं तो ऐसे आती है, बस उनको फेस करना चाहिए। अभी आप बता रहे थे कि बच्चों को गोद में उठा के ले जाने में आपको भी कई तरीके की दर्द वगैरह, पीठ दर्द हो गया वगैरह वगैरह। हाँ, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बोलते हैं वेट उठाने से आपको हुई है प्रॉब्लम। मुझे अपनी स्पेशल बिटिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है जी, क्योंकि स्पेशल बच्चे मेरे लिए पैदा होते बन गई थी जब मुझे पता चला कि मेरे घर में बेटी का जन्म हुआ है जी। लेकिन मेरी सपने जब धूमिल हो गए, 6 महीने बाद ही मुझे पता चला कि मेरी बेटी चल फिर नहीं पाएगी जी। उसी दिन से मैंने ये ठान लिया कि तेरे किस्मत में तो विद्या का धन था नहीं, लेकिन अपने इन स्पेशल बच्चों को अगर भगवान ने चाही ना तो इतनी शिक्षा दिलवाऊंगा। और मेरे बच्चे ने आज तक मुझे शिक्षा के मामले में कहीं किसी के आगे किसी की आगे हार नहीं जोड़ने पड़े, अपने आप ही पहली लिस्ट में इनका नाम आ जाता था, ये सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब बात भिवानी की जा तो शाम मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का ट्रक चालक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम था? नरेंद्र। नरेंद्र कहाँ से कहाँ जा रहा था? भिवानी आ रहा था, पापुड़ से भिवानी आ रहा था। किस पे? बाइक पर। कैसे हादसा हुआ? डंपराड़ा ने एकदम साइड में आई और अटैक कर दिया। डंपर वाला ओवरटेक कर रहा था। अच्छा, मौके पर हाँ थोड़ा सा सटन लग रहा था। तो आप तो कैसे सटन हुए? मेरा तो लड़का ने फोन करके बुलाया, मैं तो डंपर डाल कहीं जा रहा था मैं। क्या नाम है? विजय सिंह। क्या लगते हो आप उनके? 7 साल लग गए। तो शादीशुदा है नरेंद्र? हाँ शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। और क्या कराया करते हो? सेटिंग का काम कराया करता है। अब हम है ना कार्रवाई के लिए पुलिस या थाने में अपने इसमें हॉस्पिटल में आई है और उसकी कार्रवाई इस डॉक्टर से आरपीसी की जा रही है। मुकदमा दर्ज होगा, कानून अनुसार कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम था सर उसका? कितने मृतक का नाम? नरेंद्र है, बापूड़ा गाँव का रहने वाला है। क्या तारीख है? तो सर मौके पर मौत हो गई या कैसे मौत हुई? मौके पर ही मौत हो चुकी थी। किसके बयान पे मुकदमा दर्ज हुआ? मौके के गवाह चश्मदीन, जो गवाह मौके थे उनके बयान पर कार्रवाई हुई। और सर ट्रक चालक? ट्रक चालक है ना, वहाँ से मौके से ट्रक को लेकर भी भाग गया। नेहरू पार्क में नायक महासभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में नई जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष हरभगवान सिंह ने कहा कि नायक समाज को बीजेपी सरकार ने SC वर्ग में शामिल करने का भरोसा दिलाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। मेरा नाम अमर सिंह नायक। कहाँ से हैं सर आप? मैं गांवला राणा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी का, अखिल भारतीय नायक समाज का प्रेसिडेंट एट प्रेजेंट। क्या कार्यक्रम है सर आज का? आज का कार्यक्रम है नायक महासभा। इस बीजेपी सरकार ने जो हमारे को कहा सम्मान दिया है, उसके लिए कहा हम एकत्रित होंगे और उसके लिए चुनाव की तैयारी करेंगे। हम अपने समाज की एक सेना तैयार करेंगे जो इस बीजेपी पार्टी के लिए कहाँ से हमारा पूरा सहयोग दे। हम तन मन धन से इसके साथ हैं। लेकिन आप और समाज की तो पहले काम होते रहेंगे? पहले काम पहले नहीं किया गया, पहले किसी ने कोई काम नहीं किया। आज जो इसने काम किया, ये नायक समाज के लिए एक भामाशाह बन करके आई है। इसने जो मान सम्मान दिया है, इससे पहले हमारा किसी भी पार्टी ने सम्मान नहीं किया। सर आपके आपने आने का मेन मकसद क्या था? हमारा मेन मकसद ये है कि बीजेपी सरकार ने जो हमारी जाति को मान सम्मान दिया है, हमारे 70 साल से संघर्ष कर रहे थे, बीजेपी सरकार ने उसको मूर्त रूप दे करके लागू किया गया है। एक तो बीजेपी सरकार का हम धन्यवाद करेंगे और आज जिला भिवानी के लिए कार्यकारिणी का गठन करेंगे ताकि समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी का सरकार में भागीदारी लें।
और इस समाज के लिए उन्नति का रास्ता खोले। संस्था में आपका क्या पद है और कहाँ से आए हैं? मेरा पद अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष हूँ मैं और कुरुक्षेत्र के निवास करता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।